हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए और आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम कार्ड्स पुल आउट कर लिए मैंने। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स आ गया है, एस ऑफ कप्स आ गया है, सबसे पहले यहाँ पे टू ऑफ कप्स आ गया है, फिर यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ध्यान से देखिए, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है जो हमसे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, मतलब कहना चाह रही है, बस हमें समझना आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा है। इस पर्सन ने अपने हाथ टेक दिए, स्पेशली जब यहाँ पे मुश्किल घड़ी आन पड़ी थी। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दुम दबा के भागे हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पे आप दोनों को इकट्ठे काम करने की ज़रूरत होती है, आप दोनों को एक दूसरे की मदद से एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत होती है, यहाँ मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दरार आई हुई है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है और थर्ड पार्टी की वजह से ही इस रिश्ते में दूरियाँ आई है। ऐसा लग रहा है कि जब भी मुसीबत आन पड़ी, जब भी आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई, इस पर्सन ने पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी नहीं समझा। इस पर्सन ने हमेशा ये चीज़ मानी कि कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई है तो इन्होंने मतलब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने हमेशा आपकी ओर पीठ कर ली है और ऐसा लगा कि जैसे कि आपकी ये जॉब है कि आप ही हमेशा मनाने आओगे। और ये पर्सन मतलब अपनी सिंहासन पर पूरी तरीके से पैर फैला के बैठ गए हैं, ठीक है, कि इनका कोई रोल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको हमेशा से ब्लेम किया है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे गलती आपकी है, ठीक है। हमेशा से आपको ब्लेम करने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया कि हाँ, कहीं ना कहीं हर चीज़ में गलती आप ही करते हो। तो ऐसा लग रहा है कि आपने ना ये चीज़ मान ली कि ठीक है, हमेशा तो मेरी ही गलती होती है। तो एक तरीके से यहाँ पर दोनों में ना तनाव बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर एक जने की गलती भी है, अगर आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दोगे तो फिर वो गलती ना थोड़ी सी दब जाती है और दूसरे पर्सन को लगता है कि ठीक है, सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन आप हर वक्त किसी को, एक ही इंसान को ब्लेम करोगे तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कि हमेशा मेरी गलती है, मेरी गलती है, हमेशा गलती मेरी ही होती है, तो ठीक है मेरी ही गलती सही। तो जो भी चीज़ चल रही है तो उस पर ना इतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि उसी को ब्लेम किया जाएगा। देखिए एक तरीके से यहाँ पे आप दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा रिश्ता इमोशंस पे बेस्ड है, ठीक है। दोनों के बीच में इतनी अनबन के बाद, आप दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने के बाद भी क्यों इस रिश्ते में आप इतना खिंचाव महसूस करते हो? क्यों इस रिश्ते में आपको लगता है कि परमानेंटली चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि अभी भी रियूनियन हो सकता है? इसका आंसर एक ही है, प्यार। यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप वाटर साइन हो या आपके पर्सन वाटर साइन हो, यानी कि आपके इमोशंस बहुत प्रिवेलिंग है। स्पेशली अगर मैं अपने व्यूअर्स की बात करूँ तो वो ना अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में डूबे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं। इमोशनल इसलिए महसूस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को आप चाहने लगे हो और इतना टाइम सेपरेशन के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हमें मिलना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत मुसीबत की बात हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे से पूरी ज़िंदगी भर अलग नहीं रह सकते हो। आप दोनों आना चाहते हो पास में, आप दोनों मिलना चाहते हो, आप दोनों प्यार की छत्र छाया में हमेशा ब्लूम करना चाहते हो, अपना फ्यूचर साथ में चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो यहाँ पे ना, थर्ड पार्टी मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको सच में मिलाना चाहते हैं,
हो सकता है वो आपके कोई फ्रेंड हो, या हो सकता है कि इनके कोई फ्रेंड हो, पर यहाँ पे कोई ऐसा है, आप बेटर जानते होंगे, जब भी आप दोनों लड़ते हो या जब भी आप दोनों की लड़ाई के बारे में उनको पता चलता है, तो ये पर्सन हमेशा से आके आपकी लड़ाई सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, या ये मान लो कि हमेशा से इनका रवैया ये रहा है कि वो हमेशा से आपको समझाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसी चीज़ें होती रहती है, ऐसे अनबन छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपको कभी भी अफेक्ट नहीं होना है या फिर अपना रिश्ता हमेशा के लिए नहीं तोड़ना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई ऐसा है, ठीक है, और वो एक तरीके से आपके रिश्ते में एंजल्स की तरह है, जो आपको मिलाना चाहते हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां कम हो जाए। मुझे लगता है आपके सेपरेशन के बाद भी कुछ लोगों ने आपको बहाने से या इसका नाम उसका नाम लेके आपके पर्सन से मिलाने की कोशिश की है, पर यहाँ पे वो चीज़ हो नहीं पाई है, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिलने को लेके बहुत तनाव था, ठीक है, पर वॉट एवर इज़ द रीज़न, मुझे लगता है आपका प्यार जीतेगा, वॉट एवर इज़ द रीज़न, यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी और ये शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से होगी। देखिए ये पर्सन किस तरीके से जीत भी रहे हैं, ठीक है, इनके इमोशंस इतने ओवरफ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा ये आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, इनको लगने लगा है कि कुछ भी करके ये आपको पाना चाहते हैं, इनको लगने लगा है कि कुछ भी करके इनका मन है आपके साथ रहने का, कुछ भी करके इनका दिल है आपके साथ रहने का, कुछ भी करके ये आपके साथ हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। यहाँ पे देखो आपके जो पर्सन है वो पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं और आप इनसे नाराज़ दिख रहे हो। अगर ध्यान से देखोगे, नाराज़ होते हुए भी ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस रेडी है आपकी हाँ के लिए, आपके हाँ करते ही आपकी सारी विशेष को पूरा करेंगे। देखो जो पर्सन आपसे पीट कर रहे थे, इस वक्त आपको देखने के लिए, आपको पीछे से भी देखने के लिए, आपके आगे आएंगे ये तो वो है ही, आपको पीछे से भी देखने का इनको इतना मन है, इतना मन है, ठीक है, इनके मन में यही आता है कि आप एक बार आओ, आपकी सारी शिकायत दूर कर देंगे। लिटरली इनका ये है कि ये आपकी जितने भी इनसे शिकायतें हैं प्यार में या फिर काम के कारण, बिजी होने के कारण, जितने भी पल ये आपको नहीं दे पाए हैं, उनको वो आपके साथ जीना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके साथ ये पूरा करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं। यहाँ पे तीन कार्ड्स हमारे पास एकदम उछल के आ गए, उसको देखते हैं। डोर टू हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग, द थिंकिंग वुमेन, यहाँ पे पेशेंस, ठीक है, तीन कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। ये पर्सन हमेशा ना ये आपको निहार रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में अभी अबंडेंस है, इनकी लाइफ में बहुत इनको नॉलेज आ गई है रिश्ते को लेके, रिश्ते को टूटने से कैसे बचाना है उसको लेके, इनको बहुत, हो सकता है इन्होंने प्यार के ऊपर बहुत पढ़ा है, बहुत रिसर्च की है, इनको नॉलेज आ गई है, इनको आइडिया भी आ गया है कि क्या करना है, कैसे होगा, क्या मतलब इस रिश्ते में करना सही होगा, किस चीज़ को करने से या क्या चीज़ अवॉइड करने के आप से आपका रिश्ता खिल उठेगा, ये चीज़ है। पर देखो यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन को पर लग गए हैं, किस चीज़ के, प्यार के पर। और देखो टाइमिंग की बात कहूँ, देखो पेशेंस और यहाँ पे टाइमिंग की बात आई है, काफ़ी टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे के लिए इंतज़ार किया है, पर ऐसा लग रहा है टाइमिंग दिखा के ये बोलना चाह रहे हैं कि अब आपका इंतज़ार फाइनली ओवर है, यहाँ पे टाइम आ गया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाइनली जब आप दोनों मिलने की कगार पे हो, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी। द थिंकिंग वुमेन, दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके जो पर्सन हैं वो एंजल्स के थ्रू आपको मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में अभी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये जो सब कुछ सही चल रहा है उसको ये आपके साथ इस वक्त बांटना चाहते हैं, ये जो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है उसको ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अकेले खाने में क्या मज़ा, अकेले कोई चीज़ करने में क्या ही मज़ा, तो ये चीज़ आपको जता देना चाहते हैं, ये चीज़ ये आपको बता देना चाहते हैं कि आपके बिना ये अधूरा महसूस करते हैं, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, और आपको अपने साथ रखना चाहते हैं जीवन के हर कगार पर, ये आपसे बहुत कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, बहुत जल्दी आप दोनों के बॉन्ड्स स्ट्रेंथन होने लगे हैं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहराई की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, गहराई दो टर्म्स में,
एक तो मिस करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ही डीपली दिन रात इस पर्सन को जी जान लगा के मिस कर रहे हो। दूसरी ओर यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में आ गया है कि जी जान लगा के ये आपको पूरी तरीके से गले लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉसम्स की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है धीरे 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 जो पतझड़ के मौसम गए और यहाँ पे ब्लूमिंग हो रही है, फूल खिल रहे हैं, प्यार के फूल खिल रहे हैं। यहाँ पे धीरे धीरे आप अपने पर्सन के लिए दिल में एक कनेक्शन सा महसूस कर रहे हो, एक प्यार सा महसूस कर रहे हो और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसम हो रही हैं, ठीक है। चीज़ें अच्छी रिजल्ट्स की तरफ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ की वजह से आप अपने पर्सन से गुस्सा थे, उस चीज़ को आप नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हो, उसको जाने देना चाहते हो एक तरीके से देखा जाए तो। शेयर द लव, मैंने बोला ना यहाँ पे शेयरिंग की बारी आ रही है। ध्यान से देखोगे अगर मैं आपको जूम करूँ तो ये दिल एक तरीके से टूटा हुआ है, इसके बीच में क्रैक है। तो इस टूटे दिल को जो दोनों तरफ से टूटा है ये पर्सन जोड़ना चाहते हैं और जुड़ने के बाद ये आपको एनर्जी दिखा रहे हैं कि देखो हमारे बीच में कितनी ताकत है, एक बार ये प्यार हमारा जुड़ गया। ओ माय गॉड, आज तो सोने पे सुहागा। जल्दी से इस रीडिंग को एक तो लाइक तो बनता है, एक लाइक अभी अभी दे दो ताकि आपकी एनर्जीज मेरे पास आए और आपकी पर्सन की रीडिंग और अच्छे से हो पाए। लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो और हाँ इस रीडिंग को शेयर करना और फैमिली से अभी जुड़े हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब करते वक्त याद करना बेल आइकन पर ऑल दबा दो। अभी जल्दी से मैं अपने व्यूअर्स को, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ अभी अभी चेक कीजिए आपने बेल आइकन पर ऑल दबा रखा है क्या। तीन ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला आएगा ऑल, उस पर जल्दी से सब लोग क्लिक कर लीजिए। मैं 5 सेकेंड रुकी हूँ, ऑल पे दबाइए। लाइव रीडिंग आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, ऑल पे दबा दीजिए। जी हाँ, हर दोपहर 2 बजे यहाँ पे रीडिंग आती है तो आपको देखना ज़रूर है। कमिंग टुगेदर, हार्ट चक्र, देखो यहाँ पे अधूरा हार्ट है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, दोनों आपस में करीब आ रहे हो, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन देखो, तालमेल देखो, ऐसा लग रहा है एक दूजे के लिए, एक दूजे से बहुत अलग लेकिन एक दूजे के लिए। और यहाँ पे जैसे ही आप में ये देखो हाथ में दिल जुड़ा तो देखो कैसी एनर्जी निकल रही है, देखो आप दोनों क्या क्रिएट कर रहे हो आपस में। मैजिकल एनर्जी है, 3-2, देखो नंबर 1 स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है, नंबर 2 यहाँ पे दोनों टुगेदर आ रहे हो, नंबर 3 लव की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, अमेजिंग एनर्जी। और एक साथ ही आप दोनों ब्लॉसम कर रहे हो, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। जब तक आप दोनों की बातचीत नहीं होगी तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और ये कार्ड अभी आया था फिर मैंने उसे फिर से शफल किया तो फिर से आ गया। देखो रीच आउट, आप बैठे हुए हो, ठीक है, मेरे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, नंबर 3 आप बैठे हुए हो और ये पर्सन खुद आके आपके पास आ रहे हैं, ये पर्सन खुद आके आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सपना आप हर रोज़ देख रहे हो, ठीक है, ये सपना आप हर रोज़ देख रहे हो, आप हर दिन महसूस कर रहे हो कि ये पर्सन आ रहे हैं और आपके सपने सच हो रहे हैं, रियल में ही आपको आके गले लगा रहे हैं, आपको प्यार से समझा रहे हैं, आपको प्यार से भर रहे हैं। तो ड्रीम्स कमिंग ट्रू ऐसा लगता है, और ये सारा कुछ यूनिवर्स कर रही है, आपके पर्सन के हाथ में सब कुछ दे रही है और आपके पर्सन का ही हाथ है। ये मान लो कि ये पर्सन इस बार आके आपको पलकों पे बिठाना चाहते हैं, ठीक है, एक तरीके से ये पलके बिछाए खड़े हैं आपके इंतज़ार में। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वेटिंग एनर्जी मुझे इस रीडिंग में पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा लग रहा है दे आर चेजिंग यू, दे आर वेरी 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 क्लोज टू यू, सो मेक श्योर कीप्स योर होप हाई। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आएगी, इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।